थोड़ा आगे बढ़ाइए तो भाई लोग, यहाँ पे देखिए चौसा के इस मेला मंडी में एक ये भैंस बिक्री होने के लिए आई है। लंबी भैंस है। अब लोगों की इच्छा होती है कि वो चौसा के मेला मंडी से भी भैंसों की खरीदी करें। इसके चार ढाल को आप लोग देख लिए होंगे। देखिए भैया कह रहे हैं कि चार दांत की पानी है, 12 किलो दूध है। चार दांत पानी है। हाँ हाँ। बच्चा क्या है इसका? पारा बच्चा। कितने रोज का हो गया पारा बच्चा? 7 दिन हुआ। 7 दिन का बच्चा पारा है। दांत में कितनी है? चार दांत। चार दांत दिखा सकते हैं? दिखाइए। दांत अगर दिखा देगी तो मालूम हो जाएगा कि हाँ दांत में 4 है या 6 है, इससे स्पष्ट हो जाता है। दांत दिखाने का प्रयास कीजिए। बस बस बस, हम देख लिए, देख लिए दांत में 4 ही है। भैया का कहना है कि दूध इस भैंस का टाइम का 12 किलो, यानी दोनों टाइम का ये दूध बता रहे हैं, 6 किलो टाइम का। क्या दाम रखे हैं भैया? क्या दाम रखे हैं? देने वाला बताइएगा। इसका 78 दाम लास्ट है। 78 78,000 रुपीज। 78 है। ये जो दाम आप लोग को बताया जा रहा है ये भी कोई निर्धारित नहीं है, ये तो मनमाने ही कीमत है। कहीं ना कहीं नज़दीक आके बात करेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं कीमत आपके हक में आएगा। 78 बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत कम होगा कि लास्ट 74 हो जाएगा, इससे कम लग जाएगा। 74 पे बच्चा पाना यहाँ पे देखिए 7 रोज का, 7 दिन बच्चा दिया। क्या हो रहा जी? अगला दिन पारी ऐसे हो जाए। अगला दिन भैया आप लोग तो मझवारी के भी मेला मंडी में भैंसों को बेचते हैं? गिरनार नगर मझवारी चौसा। हाँ हाँ। भाई लोग यहाँ देखिए, आप लोग के सामने एक नई भैंस दिख रही होगी। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वो भैंस नई ही खरीदे। पहले में है या दूसरी में है? पहले में है। पहला ब्याज है। हाँ, बच्चा इसका क्या है? पाड़ी है। बच्चा पाड़ी है। ये कितने रोज की हो गई चाचा? हाँ? बच्चा कितने रोज की हो गई है? पड़िया बच्चा वो 5-6 रोज का। 5-6 रोज। महीन और बारीक चमड़ी में है। पाँच से लेकर 6 रोज का बच्चा हुआ। अभी दूध कितना दे रही है? 5 लीटर। एक टाइम पे 5 लीटर? अरे भैंस भी आती है तो कम से कम दूध उतरने में 15 रोज का समय लग जाता है। हाँ, ना उतर गया है। का दाम रखे हैं? 15 दिन छोड़ो लगेगा। का दाम रखे हैं? 80,000 रुपये कीमत इसका बता रहे हैं। वैसे 80 मांग रहे हैं ना? हाँ, मांग रहे हैं 80। कितना पे छोड़ेंगे? 70 पर ले जाओ। 70 पे? और नीचे आइए थोड़ा सा, नीचे 65 पर ले जाइए। थोड़ा और नीचे आ जाइए। नहीं, नीचे नहीं है। अब नहीं, लास्ट इसका कीमत देखिए अपने मुंह से ही ये 65 बोल रहे हैं। हो गया बस। क्या नाम है चाचा का? मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ घर पड़ेगा जी? रघुनाथपुर। 65,000 रुपये इस भैंस का कीमत बोल रहे हैं। पहली ब्यात में है ये दूध, लगभग वही मान के चलिए 4 लीटर टाइम का करेगी। बहुत
भाई लोग, ये जो भैंस है इसी भैंस का सौदा देखिए यहाँ पे हो रहा है। 55-60 में हुई। चाचा को लगता है कोई कीमत इसका 55 लगा रहे हैं, इसीलिए देखिए रुष्ट होकर बोल रहे हैं कि 55 में होगी या 60 में। 55-60 में मिलेगा। भैंस में थोड़ा वजन कम है ना, हैवी वेट में नहीं है, हल्की है। अगर यही थोड़ी चौड़ी और वजन में रहती तो कहीं ना कहीं इसका कीमत रहता। भाई लोग यहाँ देखिए एक और भैंस बिक रही है चौसा का मेला मंडी में। इसके पास जो बच्चा है देखिए, ये पड़िया है, 20 रोज से ऊपर का बच्चा है, महीने भर का बच्चा हो गया होगा। और इसकी बिक्री देखिए यहाँ पे आराम है, दूसरे बयान में होगी भैंस। अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि कितने रुपए में भैंस बिक रही है। बैठो। कितना में तय कराए हैं? 36.5 में। देखिए इस मेला मंडी में इस भैंस को 36,500 रुपए में खरीदा जा रहा है। हाँ, आज के समय में 36,500 में क्या है, बच्चा एक महीने से कम का नहीं है, पड़िया है, फीमेल है। भाई में सबसे बढ़िया काफी अच्छी खरीदी हो रही है 36,500 में। जो ये चाचा हैं देखिए यहाँ पे, वही दिलाए हैं किसी खरीदार व्यक्ति को। यहाँ पे इसकी पर्ची 36,500 रुपए की तैयार हो गई। 36,500। खरीदार व्यक्ति आजमगढ़ से आए हैं, ऊंची भैंस है, थोड़ी खाए पिए बगैर दुर्बलता का शिकार हुई है। इसको दाना पानी मिलेगा तो टाइम का दूध 4-5 किलो इस तरह से करेगी। भाई लोग, अगर आप लोगों को इस तरह की पणिया की जरूरत होगी तो देखिए चौसा का मेला मंडी में इस तरह से बहुत सारी पणिया किनारे साइड में बधी हुई देखने को मिलेंगे। सब कुछ सब बिक्री के लिए है। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग को बताया जाएगा कि ये सब के सब हरियाणा के पड़िया है। लोग अपने बजट के अनुसार यहाँ पे आते हैं और यहाँ से पड़िया की खरीदी करते हैं। ना हो इतना पुण्य के जा भैया मुए को बेचा ला सा मेरा तू ही तो टाइम पे मु धंधा करे बनी। अरे वही में 10 बे नीच उठ के दे ना जा ना जा 4 से छोड़ दे अपन रह तो बाबू जा ले ले हो ते नि किनो दे ये लाख पैसा नहीं का घर से चोपा दियो कोने के 500 पा दे बेटे जी। कौन पड़िया खरीदा था वहां? हाय वाली रुपया का दे था 500 कितना दे था 14 देखाई देखा।
नहीं पकड़िए का कहत रख ले हम दे दी पैसा रही ना हो घर रखी ना हम दे तबनी घाटा ले जा ले जा अरे हम दे तने घाटा लगत भैया हम दे तने दे तो माने लला तिसराई थो के अरे तिसराई तो तिसराई तो रुपया किने तुला ल एके निकालो निकाल ले जा तुला ना ना होय भैया अरे निकाल हम दे तने आपके हम दे पैसा लाओ खोलो खोलो ले बाबू ले बाड़ी है जैसा हो ले जा बड़े नमूना के लिए मन की रहा भाई लोग ये पणिया देख रहे हैं, एक गरीब निर्धन व्यक्ति यहाँ पे आए थे और कहीं ना कहीं इस पणिया की खरीदी के लिए उनका सामर्थ्य शक्ति नहीं था को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे पाए, फिर भी इसका 14,500 रुपये दिए हैं, 14,500 दिए हैं ना इसका। और जो बेचने वाले व्यक्ति हैं इसका कीमत 16,000 मांग रहे थे। भाई लोग पिछले हफ्ता की अपेक्षा देखिए चौंसा के मेला मंडी में भैंसें बहुत कम आ रही हैं। इसके पीछे जो कारण है वो वही है कि दिलदार नगर का मेला मंडी आरंभ हो गया है, इसी वजह से चौंसा के मेला मंडी में भैंसों की संख्या में कमी आई है। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि चौंसा का मेला मंडी में इससे भी कम संख्या में भैंसें देखने को मिलेंगी। खरीद लिए हैं का भैया? कितना में चाचा? कितना में? 72,000 के। बच्चा पड़िया है तो पड़िया का नहीं ऊंची पड़िया है और नहीं है दूसरे बयान में पहला है पहला है पहला है पहला पाड़ी है तू बनारस 61,000 61,000 में खरीदा लिया 61,000 में कुछ हो जो दे तले तो दे बावत ने कर हमरा ले कह त हम दपत दिया काहे के छोरे के पछे पूरे पूरे 61,000 रुपए में इस भैंस की खरीदी की आ गया है। बच्चा इसके पास देख ही रहे हैं पड़िया है, दूसरे से कम में नहीं है, दूसरे में ही है। चौंसा मेला मंडी में जब भी आप लोग आएंगे तो यहाँ पे चाचा ये जरूर दिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस नाम है। उम्र कितना हो गया चाचा? 74 साल के हो गए। मालिक है। मालिक क्या है भाई? मालिक समझिए, मालिक समझिए नहीं। मेला मंडी के जिम्मेदारी कुछ इनके ऊपर भी है, देख रहे का काम इनके जिम्मे में है ना। मेला मंडी में इस समय भैंस बहुत कम आ रही है चाचा, क्या बात है? चौंसा मेला में भैंस कम आई है। उत्तर प्रदेश के मेला लग गया, उत्तर प्रदेश में मेला लग गया है इसलिए यहाँ पे कम हो गया, यानी भैंस कम अब आ रही है। आने वाले समय में बढ़ेंगी कि घटेंगी? घटेंगी। तब रह भैया ठीक है भैया तारा मान तारा बतिये को पड़न बा कौन हम ना कह हमार भविष्य हम नहीं हम भविष्य कही भविष्य में 90,000 के भविष्य डल बड़ा ना भैया ना। भाई लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लोग को समूह में भैंसें दिख रही होंगी, चार की संख्या में है। ये चारों की चारों भैंसों को एक ही साथ खरीदा जा रहा है एक डेयरी फार्म के लिए। बहुत से लोग जो कोलकाता के आते हैं वो लोग यहाँ के मेला मंडी से लॉट के भाव में भैंसें खरीदते हैं, इस तरह से उन्हें भैंसें सस्ती मिलती हैं, थोड़ी सस्ती मिलती है। अब इस तरह से जब आप सिंगल सिंगल भैंस खरीदेंगे तो उसका भाव कुछ अलग होगा, और चार की संख्या में छह की संख्या में जब भैंस लेंगे तो उसका भाव अलग होगा। अरे हर 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 गाड़ी मारी पड़ा है।